दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है या फिर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में किसी भी तरीके से आप कनेक्टेड हो, जैसे आपका कोई क्रेडिट कार्ड हो, कोई लोन हो या फिर आपका अकाउंट है, तो जब आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जाते हैं और आपसे जो है बैंक के स्टाफ सही से बात नहीं करते हैं या फिर आपका काम टाल दिया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्रामीण इलाकों में ब्रांच होते हैं, जो छोटे शहरों में ब्रांच होते हैं, वहाँ पर यह सब सारी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि आपका जो है काम किया नहीं जाता है, टाल दिया जाता है, कोई बहाना लगा दिया जाता है या फिर स्टाफ जो है अपने से अच्छे से बिहेव नहीं करता है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर आप जो है ना आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे आपका जो है काम जो है बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्दी आपके चीज़ों को सुनवाई दी जाएगी और अच्छे से आपका काम टाइमली कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि आपका जो है कोई भी कंप्लेन, कोई किसी भी रिलेटेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन हो तो आपको इसमें मतलब आपका काम आसानी से हो जाए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पर जाके लिखना है जो भी बैंक हो, वैसे आप सब बैंक भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखना है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जब आप लिखोगे उसके बाद ना सी जी आर एम एस आप ऐड कर देना, ठीक है। उससे क्या होता है ना, जो भी बैंक हो उससे CGRF करके आप ऐड कर देना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी बैंक हो सबका एक कंप्लेन मैनेजमेंट करके एक वेबसाइट आ जाएगा, जैसे हम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो है पुरानी वेबसाइट है, तो इसमें जो है आपको क्लिक हेयर फॉर टू विजिट न्यू कंप्लेन पोर्टल पे आपको चले जाना है। न्यू कंप्लेन पोर्टल पे जाएंगे तो ऐसे ही पॉपअप आएगा जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप सेंट्रल बैंक के कस्टमर हैं या फिर नहीं है, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद, जैसे मान लेते हैं कि मैं सेलेक्ट करता हूँ नहीं हूँ, ठीक है। सेलेक्ट नहीं करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा, तो आप जैसे ही OTP डालोगे, जो OTP आएगा OTP डालोगे, डालने के बाद जो है आपको ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। मैं OTP डाल लेता हूँ, ठीक है। OTP डालने के बाद जो है आपको ये फॉर्म फिल करना है कि आपका नाम क्या हुआ। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद जो है आपको ये सारी चीजें आपको क्लिक के मतलब फॉर्म आपको भरना पड़ेगा कि आप क्यों और रजिस्टर करना चाहते हैं, आपको क्या दिक्कत है। जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट में है कि CIC सिविल एक्सपीरियंस एंड ऐसे करके है, डिपॉजिट में दिक्कत है या लोन में दिक्कत है, क्योंकि हम कस्टमर नहीं है। अगर आप कस्टमर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है बैंक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, जैसे मान लो मैं लोन सेलेक्ट करता हूँ, लोन सेलेक्ट करने के बाद जो है एडवांस में क्लिक करना होगा, उसके बाद जो है कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, जो कि ये सारा फॉर्म आपको सेलेक्ट करने के बाद जो है एजुकेशन लोन, होम लोन, जो भी जिस भी टाइप का है उसको करके ये पूरा फॉर्म भरने के बाद जो है आपको सबमिट कर देना है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर आप जब ये सबमिट करेंगे तो उसके बाद जो है ये डायरेक्टली बैंक को फॉरवर्ड किया जाता है कि ये समस्या इस ग्राहक को आ रहा है, जिसको आप सॉल्व करें, और उनके बाद उनको रिपोर्ट बना के देना पड़ता है। तो अगर आपको इस टाइप का कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, मतलब कि आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, तो आप यहाँ पे जैसे ही कंप्लेंट डालेंगे वो बैंक को भेजा जाएगा, फिर बैंक जो है आपको कॉल करके पर्सनली बुला के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, और आप अगर फॉर्म भरेंगे और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछेंगे, हम आपके कमेंट का पूरा जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।